नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश विचलित है, परेशान है, त्राहिमाम है। लॉकडाउन के दौरान जहां पे लोग घरों में हैं और घरों में रहना ही सुरक्षित समझ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर निकल रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं। इसमें चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सफाईकर्मी जैसे साथी, पत्रकार भी शामिल हैं। आज पतंजलि की तरफ से ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शंखनाद भी की गई, तालियां भी बजाई गई। इस दौरान ईसीएल सोधपुर एरिया के महाप्रबंधक की पत्नी ने सभी पत्रकारों को सम्मानित किया। साथ ही पतंजलि के योग गुरु शंकर प्रसाद जी ने सभी पत्रकारों का धन्यवाद किया और कहा कि आप लोग इसी तरह डटे रहे और हम लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाते रहे और ईश्वर आप लोगों की रक्षा करे। इतना कठिन अवस्था में आप लोग जो काम किए हैं सोच समझ कर, सोशल डिस्टेंसिंग करके, उसके लिए हम सोधपुर एरिया से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आज आप लोग यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो? हम लोग ये कोरोना वॉरियर्स लोगों के लिए, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आए हैं। तो जैसे पत्रकार हुए, पुलिस भी, पुलिस फोर्स को भी, हम लोग भी तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के लिए मतलब बहुत किए हैं, तो इसलिए उन लोगों को सम्मानित करना हमारा काम। आज जो ये आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहे हो? ये पतंजलि की तरफ से ऑर्गेनाइज। इसमें आप और किन किन लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? हमारे जैसे हमारे सारे बहुत सारी संस्था, जैसे ईसीएल के जीएम हैं, उनकी वाइफ है साथ में, और भी बहुत सारे। कोरोना वायरस के इस जंग में जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए है कि उन लोगों को तो अभी और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी से जाने वाला नहीं। अक्टूबर तक हम लोग को सचेत रहना होगा, हर आदमी को सचेत रहना होगा इसके लिए, क्योंकि जब बीमारी आ गया तो उन लोगों को खड़े होकर हम लोगों को संभालना होगा, क्योंकि और हर आदमी को कोरोना वॉरियर बनना होगा। आपका क्या नाम हुआ? रविंदर कौरगन। क्या प्रोग्राम हुआ जब? आज हम लोग का कार्यक्रम हुआ है कि आज हम लोग जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी को हम लोग एक संवर्धना जनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और जितने भी हमारे सफाईकर्मी वगैरह हो गए, डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेस वगैरह, हमारे पुलिसकर्मी और आप जैसे मीडिया के बंधु, तो आज आप लोगों को हम लोग यहाँ संवर्धना जनाने के लिए बुलाए हैं। आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ईश्वर आप लोग को दीर्घायु करे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया बना कर रखे, ताकि आप हमें आप सूचनाओं द्वारा अपडेट करते रहें और हमें विशेष रूप से हर तरह के हमारे देश की परिस्थिति के, और अभी जो वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना, उससे कैसे बचना है, इसके लिए आप लोग सजग कर रहे हैं, सभी को जागरूकता कर रहे हैं सभी को, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इसी आभार जनाने के लिए ये कार्यक्रम हम पतंजलि योग समिति की ओर से रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शंकर प्रसाद, ठीक है, मैं योग शिक्षक शंकर प्रसाद।